काम चालू हो गया है। नौसाद भाई अपना काम स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको बढ़िया से सफा करके और फिर कलर मारेंगे। सभी हमारा रंग हो रहा है, देख लीजिए ये क्रीम कलर है और नौसाद भाई मार रहा है। नहीं करेगा आ? इसको डबल कर दे तो अच्छा लगता ना, थोड़ा था तो लगेगा लास्ट में, और क्या लगेगा। हाँ 85,000, कितना 20,000 गद्दी खर्चा कटा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो सुबह के 10 बज रहे हैं और आज 21 सितंबर है और हमारी गाड़ी का अभी काम है। कल कुछ काम करवाए, आज कुछ काम है, मतलब आज रंग पेंट का काम है, कल इलेक्ट्रिक का काम करवाए थे। तो अब नहा धोके एकदम फ्रेश है, जल्दी से चलते हैं बॉम्बे रोड और पहले गाड़ी का कलर करवा लेते हैं। तो उससे पहले अभी सुबह सुबह नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता में देख लीजिए यहाँ पे है चाउमीन, बच्चे लोगों को टिफिन के लिए बना था तो पहले चाउमीन खा लेते हैं। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा सा चाउमीन और फिर खा के चलते हैं गाड़ी के पास। फ्रेंड्स चलते हैं अब गाड़ी के पास और यहां से स्कूटी से चलेंगे। फ्रेंड्स अभी हम बॉम्बे रोड आ गए हैं और गाड़ी का हमारा रंग कराना है, मतलब नीचे ऊपर रंग कराना है। तो ये नीचे का और ऊपर का वाइट कराना है, तो ये है रंग मिस्त्री। तो चलिए इनसे बात करता हूँ क्या लगेगा। ओ नौसाद भाई सुनिए, नीचे ऊपर सादा मारेगा। ऊपर कहाँ सादा मारेगा? ऊपर वो लर तो बाहर है ना, दो लर सादा है, दो लर ग्रीन है, तो सादा ग्रीन मारना पड़ेगा। हाँ लर खोल के रखा हुआ है ग्रीन वाला। अब यहाँ ये मारेगा, सुनो तो वाइट वाला मारेगा, बाकी ये वाला लगाएगा। इसको हटा दें, अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लग रहा है गाड़ी ऊपर, उसमें मैचिंग है ना केबिन के साथ में। ये इसमें नहीं मारेंगे, खाली लकड़ी मार देंगे, ये वाला मार देंगे ब्लू, एकदम ऐसा वाला रंग। तो अभी दिखा रहे हैं मिस्त्री भाई को, आप लोग बने रहिएगा, बताएंगे क्या मतलब क्या रंग होगा, क्या खर्चा आएगा, सब आपको बताएंगे। और ये है नौसाद भाई, आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड वैसी है, क्रीम रंग मारने के बाद एक ग्रीन वाला मारेंगे। हाँ गाड़ी धुलाई कराया कल भाई, यहाँ धूला मिट्टी पड़ रहा है ना। वो नौसाद भाई देख लिए दोनों साइड नीचे ऊपर मारेंगे और रेट का बात हो रहा है तो बताएंगे क्या रेट लगेगा। तो अभी हम लोग का फाइनल हो गया रंग करने का, मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब पैसा 3,000 रुपया लगेंगे, ये नीचे का वो नीचे का डबल कोड मारेगा, मतलब है काम ये सब मरवा लेंगे, इस जगह पे रंग होता है। तो अभी गाड़ी को रिवर्स करके और वहां पे लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ धूला उड़ रहा है, धूला उड़ने की वजह से सब रंग खराब हो जाएगा। चलिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी काम चालू हो गया है, नौसाद भाई अपना काम स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको बढ़िया से सफा करके और फिर कलर मारेंगे। और हम लोगों का टीटी हॉर्न नहीं बज रहा है भाई, क्या हो गया? शाम को बजाया हो जाया था क्या? दिखा लेते हैं बाबू। बाबू अरे टीटी हॉर्न बज नहीं रहा है, क्या बात है? थोड़ा देखो तो क्यों बज नहीं रहा है? रात को बजाया, शाम को बजा? यहाँ पे हम नया टीटी हॉर्न लगाया और वो बज नहीं रहा, आवाज नहीं, साउंड नहीं आ रहा है उसका। स्टीयरिंग वाला स्विच तो नहीं खराब है ना, हमें डाउट है, अभी चेक कर रहे हैं। क्या हुआ है? अभी बजा, उसका गुटका खराब हो गया हमको लग रहा है उसमें। क्या करना होगा? पॉइंट चेंज करना होगा, पॉइंट। अच्छा चेंज हो जाएगा ना। फ्रेंड्स अभी हमारा रंग हो रहा है, देख लीजिए ये क्रीम कलर है और नौसाद भाई मार रहा है।
देख लीजिए पीछे का ये हो गया, अभी इस साइड का हो रहा है। आए ना साथ भाई, अरे डबल ही आएगा, नहीं डबल नहीं करेगा आ? इसको डबल कर दे तो अच्छा लगता ना, थोड़ा था तो लगेगा लास्ट में, और क्या लगेगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डबलिया दीजिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा, वो सिंगल में थोड़ा फट जाएगा। अरे ठीक है मेरा भाई, बोल दिया ना। चलिए ठीक है, ठीक है भैया कर देंगे। साथ भाई बहुत अच्छा आदमी है, हम अपना 10 चक्के को कराए थे रंग इनसे, अब दोबारा इनसे करा रहा हूँ अभी ये गाड़ी का। ये गाड़ी तो बना था ऑलरेडी कलकत्ता में, वहीं पे रंग वंग पेंट हुआ था, उसके बाद सेकेंड टाइम, लेकिन अभी जो कराएंगे, अब क्या रहा है गर्मी उर्मी में, बरसात में नहीं कराएंगे, गर्मी के टाइम में कराएंगे, बढ़िया से रंग कराएंगे। ये वाला सिर्फ थोड़ा अच्छा लगने लगे गाड़ी, इसलिए मारा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अभी गाड़ी सुंदर दिखने लगा, रंग पेंट हो जाने के बाद गाड़ी अच्छा लगने लगता है। देख लीजिए इधर से बढ़िया दिख रहा है, अभी ऊपर का भी होगा, वो जो लर है, दो लर तो बॉडी में है, वो बॉडी में ही मरवा लेंगे और यहाँ से टेबल लगा के मार देंगे। अभी ये स्कूटी का बैटरी खोला हूँ और स्कूटी परेशान कर दिया है, कल बैटरी चार्ज करके लगाया था तो जब तक चार्ज था तब तक चला, फिर बैटरी का चार्ज खत्म हो गया तो स्कूटी जो है बंद पड़ गया, तो अभी बैटरी इसका खोल लिए हैं, अब चलता हूँ इसको नया ही लेके आके डाल देते हैं। ये कब तक धक्का मार के नहीं चलेगी ये गाड़ी, बार बार धक्का मारना बहुत मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स अभी हम बैटरी नया लेके आ गए एमरॉन का, और पुराना बैटरी लेके, ये बैटरी 850 रुपये में दिया, मतलब बैटरी की कीमत 950, और देखिए यहाँ बैटरी नहीं है, सब खोल दिया हूँ। चलिए अब इसको फिट कर देता हूँ। अभी हमारा स्कूटी स्टार्ट हो गया है और दिन के 12:30 बज रहे हैं और आगे हम बिहारी होटल में, देख लीजिए। तो चलिए यहाँ का खाना है फेवरेट, आप लोग को पता ही है यहाँ का चिकन बहुत भाई ज़बरदस्त होता है, तो चलिए खाते हैं। और अमित भी आ रहा है, उसको मैं बुलाया तो शायद निकल गया था, वो पैदल में आ रहा है, हम स्कूटी से आए, तो चलिए खाते हैं भाई, यहाँ का राइस का जवाब नहीं है, मस्त बना है भाई। देख लीजिए गाड़ी एकदम चमका दिया नौशाद भाई, मेकअप कर दिया। ये कितना कितना हफ्ता चलेगा रंग है नौशाद भैया, कितना हफ्ता में रंग छोड़ देगा? 2 साल लगेगा, 2 साल। अमित जाओ जाओ तुम खाना खा लो, जाओ टाइम हो गया बहुत, हम लोग नाश्ता करने जा रहे थे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, गुस्सा में जाकर बैटरी लेके आया। तो फ्रेंड्स शाम के 5 बज रहे हैं, अब मैं चलता हूँ गाड़ी के पास, दोपहर में आ गया था, खाना खा के सो गया था, और गाड़ी से देख के आते हैं रंग पेंट हो रहा था, कितना काम हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा अभी कलर हो ही रहा है, ये लास्ट बरसाती को मारा जा रहा है, बाकी जो रंग करना था ये रंग हो गया है, और अभी रंग कच्चा है, और डाला भी हो गया है, ऊपर का लर भी हो गया है, देख लीजिए उसमें भी मारे हैं लोग, शायद उसमें सिंगल ही मारे हैं, लेकिन देख लेता हूँ एक बार। हाँ इसमें भी हो गया है, ये हम लोग जो पट्टी खोला था, तो चलिए जब इसको फिट करेंगे तो फिर वो लेवल में आ जाएगा। तो अभी ये काम हो गया है, लाइट का काम हो ही गया है, कल गाड़ी को, कल तो संडे है, सोमवार को सीएफ में लेके चले जाएंगे गाड़ी को, ऐसी दो तीन को है मिला दो ना, जो ये कलर वाला है मिला दो इसको। हाँ मिला दो। हाँ तो अभी हम लोग हॉर्न चेक कर रहे हैं, हॉर्न का स्टेयरिंग खुला था, हाँ दोनों साइड का दबाओ तो बस 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 हो गया बढ़िया है। हाँ और यहाँ पे ये सब छोटा मोटा रंग हो रहा है, देखिए अच्छा लग रहा है रंग मार देने से, सीढ़ी है वो पूरा कर दो, हाँ उसको पूरा ले लो रंग। दोस्तों हम लोग अभी चाय पी रहे हैं, मतलब मिस्त्री भाई लोग को चाय पिला रहे हैं, तो चाय पिला देने से क्या है कि थोड़ा मन से काम करते हैं, बच्चा खुचा जो नहीं भी बोला होता वो भी पेंट कर देता है अगला, मोहब्बत तो प्यार मोहब्बत में चाय पानी हो जाता है, अच्छा लगता है। हा? अभी काम खत्म हो गया ना, ना और बाकी है, देख लो थोड़ा बाकी हो गया तो मार दो, चलो ठीक है काम हो गया दोस्तों, बाकी लाइट वगैरह हॉर्न वगैरह वाईफाई सब कुछ चल रहा है, रंग भी हो गया, थोड़ा सा कल लिखाई बाकी है तो लिखवा लेंगे, नंबर लिखवाना और स्टॉप लिखवाना, दो चीज़ गाड़ी में लिखाना पड़ेगा सीएफ के टाइम, पीछे का नंबर और स्टॉप और एक झंडा वाला ना,
इंडिया इज द ग्रेट, ये लिखना पड़ता है गाड़ी पे, देख लीजिए उस गाड़ी में लिखा हुआ है वहाँ पे इंडिया इज द ग्रेट झंडा बना हुआ है। तो कल हम भी बनवा लेंगे, वो लिखाई वाला आएगा सुबह सुबह। तो 6 बज रहे हैं और काम हो गया है गाड़ी का, लाइट वगैरह का सब काम हो गया, बस खाली नंबर प्लेट लिखाई बाकी है, वो कल लिखवा लेंगे और गाड़ी सोमवार को जाएगी CF में। अभी थोड़ा पार्टी से भाड़ा लेना, वो 20,000 रुपया कम डाला है तो उसी को फ़ोन लगा रहे हैं, देखते हैं ट्राई करके आज देता है क्या। फ़ोन नहीं उठाया, हाँ रुका हूँ लाइन में, बताइए देख लीजिए। हाँ 85,000। हाँ हाँ बराबर लिया, 85 में से 15 गया 70। हाँ जी, कितना 20,000 गद्दी खर्चा कटा। हाँ हाँ तो आज डलवाइए। ठीक है ठीक है, बात करिए बात करिए। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डलवाइए। अभी भाड़ा अभी डलवाएगा, अभी वो बात ही कर रहा है। 5 दिन हो गए आज गाड़ी खाली हो गई, 17 तारीख को खाली हुआ था, आज 22 तारीख है, 21 है, 4-5 दिन हो गया। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है, आधा घंटा का टाइम लिया है। फ्रेंड्स लाइट वगैरह का काम हो गया है एकदम, गाड़ी का हल जो रंग कराना था रंग भी हो गया है। अब गाड़ी तो सोमवार को CF होगी, आज शनिवार को और संडे को कोर्ट बंद रहता है, तो सोमवार को CF करा के फिर गाड़ी का DO ले लेंगे यहीं गोल्डी भैया से। इस बार रेशमी से नहीं भरेंगे, डायरेक्ट भरेंगे, गाड़ी लेट हो जा रही रेशमी में जाने से। अभी तो रंग शायद सूखा नहीं है, हल्का हल्का कच्चा है। और अभी पार्टी से बात किया, उससे 20,000 रुपया बाकी है, तो फोन में जैसे बात किया जैसे लगा अभी दे देगा, लेकिन अभी आधा घंटा का टाइम लिया होता, आधे घंटा बाद फिर से फ़ोन करता हूँ उसको, देखते हैं देता है क्या आज। तो मैं आया था गाड़ी के पास अमित को देखने के लिए, तो अभी शायद वो गाड़ी में है नहीं, हमें लगता है वो बिहारी होटल में गया है, तो चलता हूँ। वो मैं वही बोलने के लिए कि चलो खाना वाना खा लो, स्कूटी से छोड़ देता फिर गाड़ी के पास पहुँचा देता, वो आराम करता। अब तो जो होगा वो सोमवार को होगा। पार्टी से हमने फ़ोन में बात किया, अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ, देखते हैं 10 बजे तक। तो चलिए अभी चलते हैं बिहारी होटल में। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए बिहारी होटल में और अमित यहाँ मिल गया फाइनली, और रात के 8 बजने वाले हैं। अभी भी खाना वाना खा के सो जाएगा, मैं घर में जाके खा के सोऊंगा। और अमित से ही पूछ लेते हैं, अमित तुम्हारा छिंदवाड़ा में कहाँ घर है? छोटी बाजार, करबला चौक के आसपास है क्या? हमारे एक भाई पूछ रहे हैं, सब्सक्राइबर भाई, कि अमित, वो मैं छिंदवाड़ा से हूँ, अमित का गाँव कहाँ है? तो ठीक है भैया, ये जाएगा, ये इस चक्कर जाने वाला है घर, तो ठीक है, अगर मिलना होगा कुछ संदेश भिजवाना होगा तो आप भिजवा सकते हैं। हाय बाय बोलो। दोस्तों रात के 8:30 बज गए और घर पे मैं चला आया, और हमारे घर का खाना दूध रोटी है, हमारा दूध रोटी खाते हैं। और खा के भाई सारा दिन इधर से उधर दौड़ते रहे, गाड़ी गाड़ी से घर, गाड़ी से घर, गाड़ी का काम हो गया है, बस कल थोड़ा मोड़ा काम है, कल थोड़ा मोड़ा मतलब नंबर वंबर लिखवाना है, नंबर लिखाई हो जाने के बाद परसों जाके पासिंग करवा लेंगे, फिर यहाँ से लोड करके निकलेंगे। फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो गया, चलते हैं यहीं पे आराम कर लेंगे, और इस ब्लॉग को अब यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।